बीसीडी टैग के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यह है असुस का आरओजी फोन, इसमें आता है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट जो कि क्लॉक है 2.96 गीगाहर्ट्ज पर 6 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड स्क्रीन है, 2.5D कर्व कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन है, 8GB की LPDDR4X रैम है, 128GB की UFS 2.0 स्टोरेज है। इसमें 4000mAh की बैटरी है जो कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करती है। तो आइए करते हैं इस फोन को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिजाइन को, लुक को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या ये फोन लेने लायक है। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं बीसीडी टेक यूट्यूब चैनल को। अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। ये है डिब्बा जिसमें असुस का आरओजी फोन आता है। तो यहाँ पर डिब्बा कुछ अलग है, अगर आपने कभी ड्रॉइंग की है तो आपको पता चल चुका होगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आरओजी फोन लिखा हुआ है, यहाँ पर फ़ोन का मॉडल नंबर लिखा हुआ है और किन किन ने इनको सर्टिफाई किया है आप सब कुछ पढ़ सकते हो। आरओजी फोन यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर कस्टमर केयर का कंप्लेन और फीडबैक नंबर लिखा हुआ है, किसने इसको इंपोर्ट किया है, कहाँ ये बना हुआ है आप पढ़ सकते हो। बॉक्स में MRP है 83,999 रुपीज़, बट ये आपको 69,999 रुपीज़ में पड़ जाएगा। किस टेक्नोलॉजी को ये सपोर्ट करता है, क्या इसकी डायमेंशन है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस साइड दोस्तों फ्लिपकार्ट का स्टिकर है और साथ में आरओजी का लोगो है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, चेक नंबर, IMEI नंबर, प्रोडक्ट नंबर और सी प्रोडक्ट नंबर। यहाँ पर आप इस फोन के कुछ की फीचर्स पढ़ सकते हो। ब्लैक कलर का ये फ़ोन है, 8GB की रैम है, 128GB की स्टोरेज है, ड्यूअल सिम सपोर्टेड है, 6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, विद हेडसेट और विद फैन आता है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट है, 8MP प्लस 12MP का रियर कैमरा है और 8MP का फ्रंट कैमरा है। तो ये है डिब्बा, आइए अब इसको करते हैं अनबॉक्स। तो सबसे पहले ऊपर की साइड को जो प्लास्टिक का कवर दिया है उसको निकाल देते हैं। यहाँ पर रॉग एरोडायनामिक सिस्टम लिखा हुआ है, आइए इसको ओपन करते हैं और उसके बाद इस फ्लिप को उठा देते हैं और खोल देते हैं इस पैकेज को। तो इस पैकेज में यहाँ पर आपको मिलता है एक एरो इफेक्टिव कूलर, आइए अभी इसको साइड में रखते हैं। यहाँ पर है मेन फोन, आइए इसको भी साइड में रखते हैं और निकालते हैं इस डिब्बे को बाहर। देख सकते हो कि ये डिब्बा पहले से खुला हुआ है, तभी आपको यहाँ पर फटा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर डिब्बे में आगे मिलती है एक एसेसरी बॉक्स, और इस एसेसरी बॉक्स में है 30 वाट का चार्जर जो कि आउटपुट में 5 वोल्ट 3 एम्पीयर पर, 9 वोल्ट 3 एम्पीयर पर, 12 वोल्ट 2.5 एम्पीयर पर और 3.32 5.9 वोल्ट 3 एम्पीयर पर, 3.32 11 वोल्ट 3 एम्पीयर पर और मैक्सिमम 30 वाट को सपोर्ट करता है, और इसके आउटपुट में है USB-C टाइप पोर्ट। तो साथ में एक चार्जर भी है, और बॉक्स में आगे है हाई रेजोल्यूशन हेडफोन, आगे डिब्बे में है कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स, और साथ में है कुछ रबर की गैस्किट्स, और फाइनली USB-C टाइप 2 USB-C टाइप केबल जो कि डाटा सिंकिंग चार्जिंग सभी के काम आएगी। डिब्बे में आगे है एक पैकेज, और इस पैकेज के अंदर है एक सिम इजेक्टर टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक यूज़र मैनुअल, साथ में है एक वारंटी इन्फॉर्मेशन गाइड और कुछ स्टिकर्स, बस दोस्तों इतना ही। तो यहाँ पर डिब्बे में आपको मिल जाते हैं एक हाई रेजोल्यूशन ईयरफोन, साथ में ईयरबड्स भी हैं, सिम इजेक्टर टूल, USB केबल, फ़ोन, चार्जर, रबर की गैस्किट्स, मैनुअल और एरो ईयर कूलर। आइए दोस्तों अब फ़ोन को देखते हैं। तो ये है असुस का आरओजी फ़ोन, एक गेमिंग फ़ोन। डिज़ाइन लुक वाइज दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और स्पेशली गेमर्स को देख के इसको डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी स्टनिंग लुक मिलता है, और आगे से देखा जाए तो आपको 2.5D कर्व वाला कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 मिल रहा है, जिसके ऊपर नीचे की साइड को हैं दो स्पीकर्स जो कि ऑरेंज कलर में हैं, और ये फ़ोन के लुक को काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। पीछे से आपको फ़ोन का एग्जिट डिज़ाइन और लुक मिल जाएगा। तो यहाँ पर बीच में है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 जो कि साइड से कर्व है, और साथ में यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेटल जिसके ऊपर दो एयर वेंट है ताकि हीट अंदर से निकल पाए। तो पीछे से जो डिज़ाइन है वो स्पेशली गेमर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, और इसी बैक पैनल पर आपको मिल जाता है एक स्टनिंग लुक वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, रियर कैमरा और एक आरओजी का लोगो जो कि ग्लो भी होता है, लाइट अप होता है,
और यहाँ पर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। तो डिज़ाइन लुक वाइज ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको इतना स्टनिंग लुक वाला फ़ोन सही भी लगता है कि नहीं लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बहुत सीधा साधा सा फ़ोन चाहिए, तो मे बी उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी डिज़ाइन लुक वाइज काफ़ी अच्छा फ़ोन है। आइए अब इस फोन की लेआउट देखते हैं। स्टार्ट करते हैं नीचे से। यहाँ पर है मेन माइक्रोफोन, यूएसबी सी टाइप पोर्ट, 3.5 mm का जैक। इस साइड है दो ईयर ट्रिगर जिसको आप गेमिंग के दौरान किसी भी बटन से मैप कर सकते हो। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर बटन, सेकेंडरी माइक्रोफोन। ऊपर की साइड को अगेन एक और माइक्रोफोन है। इस साइड है सिम ट्रे और ये फ़ोन सपोर्ट करता है दो नैनो सिम को। इस फोन में आप एसडी कार्ड को नहीं लगा सकते हो। इसी साइड आपको इस रबर गैस्केट के नीचे मिल जाएगा यूएसबी सी टाइप पोर्ट ऊपर वाला और नीचे वाला डिफरेंट डॉक्स के लिए दिया गया है। यहाँ पर है तीसरा एयर ट्रिगर बटन। पीछे की साइड को आपको मिल जाएंगे दो रियर कैमरा, 12 मेगापिक्सल का मेन और 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी। सिंगल टोन एलईडी फ्लैश है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, ओरा आरजीबी लाइटिंग है, रिपब्लिक ऑफ गेमर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर एक स्टिकर है जिसके ऊपर इस फोन का सीरियल नंबर और आईएमई नंबर लिखा हुआ है। आगे की साइड को इस फोन में है 6 इंच की फुल एचडी प्लस एमोलेड स्क्रीन। ऊपर की साइड को है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा। कुछ यहाँ पर सेंसर्स हैं और दो बड़े लाउड स्पीकर्स हैं। तो ये है इस फोन की लेआउट। तो डिज़ाइन वाइज लुक वाइज ये फ़ोन काफ़ी प्रीमियम है और यहाँ पर दोस्तों स्पेशली कहा जाए इसका जो बैक पैनल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको इतने डिज़ाइन वाला फ़ोन पसंद आता है कि नहीं आता है। कई लोग दोस्तों ऐसे होते हैं कि जिनको काफ़ी सीधा सा डिज़ाइन पसंद आता है, तो ये फ़ोन उनके लिए नहीं है। बट जो लोग कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, एक नया लुक चाहते हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। आइए अब इस फोन को ऑन करते हैं और जब तक ये फोन ऑन हो रहा है आइए देखते हैं इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन को। Asus का ROG फोन आता है 6 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड स्क्रीन के साथ। 18:9 की एक्सपेक्ट रेशियो है, 1:1 की कंट्रास्ट रेशियो है, 90 हर्ट्ज का ये डिस्प्ले है और साथ में HDR भी आपको मिलता है। इस फोन में है क्वालकॉम का एक स्पेशल 845 चिपसेट जिसकी स्पीड बाइंड है 2.96 GHz पर। Adreno 360 GPU है। इस फोन के रियर साइड में है ड्यूअल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, f1.8 अपर्चर है, 1.4 माइक्रोन पिक्सल साइज है, 4 एक्सिस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलेशन के साथ ये आता है। सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, 12 mm फोकल लेंथ है। फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, f2.0 अपर्चर है, 24 mm वाइड लेंस के साथ ये आता है। वाईफाई 5 GHz और AD बैंड को ये सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है। इस फोन में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा और दोस्तों सारे सेंसर जो कि कॉमनली मोबाइल फोन में होते हैं आपको इस फोन में भी देखने को मिलेंगे। 4000 mAh की बैटरी है जो कि क्वालकॉम क्विक चार्ज 4.0 को सपोर्ट करती है। तो यह है इस फोन की कॉन्फ़िगरेशन। आइए अब फोन को देखते हैं। तो ये फोन अब बूट हो चुका है। यह है इसकी UI। आइए थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं ताकि आप डिस्प्ले को अच्छे से देख पाएं। तो ये है इसकी UI जो कि काफ़ी फास्ट है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। एग्जैक्टली दोस्तों ये जेन UI 5.0 पर चल रही है बट इसको थोड़ा सा कस्टमाइज किया गया है इस फोन के लिए। तो यहाँ पर आपको मिलती है एग्जैक्टली ROG गेमिंग एक्स मोड UI जो कि ओरियो 8.0 पर चल रही है। आइए मैं आपको सेटिंग में दिखा देता हूँ। तो चलता हूँ यहाँ पर सिस्टम में और चलता हूँ अबाउट फोन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो फ़ोन है इस समय चल रहा है एंड्रॉयड वर्जन 8.1 पर और सिक्योरिटी पैच सितंबर का यहाँ पर डला हुआ है। स्टोरेज की बात करें तो दोस्तों 128 GB में से अराउंड 113 GB फ्री मिलती है। मेमोरी की बात करें तो इस समय अराउंड 2.5 GB मेमोरी यूज है और अराउंड 8.3 GB यूटिलाइज्ड है। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा जंक प्री इंस्टॉल आता है। गूगल की कुछ एप्लीकेशंस आप यहाँ पर देख सकते हो, साथ में Asus की भी कुछ एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर दो गेम्स प्री इंस्टॉल मिलती हैं, फ्री फायर और असफाल्ट 8, Asus डाटा ट्रांसफ़र, क्रोम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सब कुछ आपको इंस्टॉल मिलेगा। फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो आप इस फ़ोन को काफ़ी आराम से फिंगरप्रिंट सेंसर से अनलॉक कर सकते हो। काफ़ी फास्ट है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। और फेस अनलॉक की बात करें तो आप इस फ़ोन को फेस से भी अनलॉक कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी फास्ट है। ऑडियो की बात करें तो आप खुद ही सुन लीजिए। तो यहां पर आपको मिलते हैं ड्यूअल फ्रंट माउंटेड
स्पीकर्स, और साथ में दोस्तों आपको ऑडियो विजेट भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप आवाज को और ज्यादा ट्यून कर सकते हो। तो यहाँ पर आवाज इस फोन की काफी अच्छी है, और साथ में दोस्तों आपको NXP एम्पलीफायर मिल रहे हैं जो कि ऑडियो क्वालिटी को काफी हद तक एनहेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर आवाज के मामले में ये फोन काफी अच्छा है। दोस्तों इस फोन की UI भी गेम सेंट्रिक है, यहाँ पर आपको गेम सेंटर मिल जाएगा जिसके थ्रू आप रियल टाइम में CPU, GPU, मेमोरी और स्टोरेज को मॉनिटर कर सकते हो, फैन स्पीड को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हो, ऑरा लाइटिंग को यहाँ पर दोस्तों अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि इस समय मैंने ऑरा लाइटिंग को बंद कर दिया है तो जो ऑरा है वो भी बंद हो जाएगा, और यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ इस ऑरा को। सेंसर्स की बात करें तो दोस्तों इस फोन में लगभग सारे सेंसर्स हैं, बस टेम्परेचर और प्रेशर सेंसर नहीं मिलेगा जो कि अमूमन फोन में देखने को नहीं मिलता है। आइए दोस्तों अब इस फोन के कैमरा इंटरफेस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैमरा इंटरफेस दोस्तों लगभग वैसे ही है जैसे कि आपको असूस के फोन्स में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सीन डिटेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल सेम वही इंटरफेस मिलता है जो कि असूस के जेनफोन 5G में था। तो कैमरा मोरलेस 5G जैसा ही है। आइए अब इस फोन के कैमरे को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टूडियो लाइटिंग में कुछ पिक्चर्स को क्लिक किया है, देख लीजिए पिक्चर्स काफी शार्प हैं, क्लियर हैं। आइए कैमरे को बाहर ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ सैंपल्स देख लीजिए जो कि मैंने इसके रियर कैमरे से खींचे हैं। यहाँ पर आप कुछ लो लाइटिंग में सैंपल्स देख सकते हो, सैंपल्स काफी क्लियर हैं। आइए एक बार पोर्ट्रेट मोड को भी देख लेते हैं, पोर्ट्रेट मोड भी काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, सब्जेक्ट को फोकस में रखे बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है। आइए अब इस फोन के फ्रंट कैमरे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल्फी इमेजेस देख लीजिए जो कि मैंने इसके फ्रंट कैमरे से खींची हैं, काफी शार्प हैं, काफी क्लियर हैं। यहाँ पर आप कुछ लो लाइट सेल्फी देख लीजिए। दोस्तों ये जो वीडियो है ये इस फोन के फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है, और ये जो फोन है ये मेरे हाथ में है, आवाज़ इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो आप देख लीजिए किस टाइप से यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इस समय मैं फ़ोन को लेकर चल रहा हूँ, आप स्टेबलाइजेशन देख लीजिए, और अभी मैं आपको एक्सपोजर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं इस ऑब्जेक्ट पर। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने फोकस में रख दी है, अब बैकग्राउंड को देख लेते हैं और ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर काफ़ी फास्ट फोकस हो रहा है और साथ में एक्सपोजर भी काफ़ी सही से बन रहा है। तो कैमरे डिपार्टमेंट में असूस का ROG फ़ोन काफ़ी अच्छा है। आइए दोस्तों अब इस एरो एक्टिव कूलर को भी देख लेते हैं जो कि बॉक्स में साथ में आता है। तो अगर आपको फ़ोन को फर्दर कूल करना है गेमिंग के दौरान या फिर किसी हैवी प्रोसेसिंग के दौरान, तो आप इस एरो एक्टिव कूलर को लगा सकते हैं। इसको लगाना काफ़ी आसान है, और यहाँ पर देख सकते हो जैसे आप इस कूलर को लगाओगे तो इस कूलर का जो फ़ैन है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और साथ में आपको इस एरो एक्टिव कूलर के अंदर एक ऑरा भी मिल जाएगी, बिल्कुल सेम वही लोगो है जो कि आपको बैक पैनल पर मिल रहा है, और साथ में ये डिफरेंट कलर्स में भी जल रहा है। और इसी एरो एक्टिव कूलर के ऊपर आपको USB-C टाइप पोर्ट मिल जाएगा चार्जिंग के लिए, और साथ में है 3.5 mm का जैक। तो इस एरो एक्टिव कूलर के थ्रू आप इस फोन को चार्ज भी कर सकते हो, और साथ में दोस्तों आप डायरेक्ट अपनी ऑडियो को सुन भी सकते हो। आइए दोस्तों एक बार इस फोन पर गेमिंग करके देख लेते हैं। तो दोस्तों PUBG लोड हो चुकी है और मुझे गन भी मिल चुकी है। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप ईयर ट्रिगर्स को यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको ऐसे स्वाइप करना है, और उसके बाद इस आइकन को टैप करना है, ईयर ट्रिगर्स में जाना है, और उसके बाद आपको डायरेक्टली ये गेम का नाम बता देगा, और उसके बाद आप L1 और R1 को सेट कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैंने L1 को सेट किया है, आप कहीं पर भी इसको रख सकते हो। तो मैंने L1 को सेट किया गया है जंप के लिए, और R1 को सेट किया गया है शूटिंग के लिए, और उसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैं दोस्तों अब इसको प्रेस करके, आप देख लीजिए L1 को प्रेस करके जंप कर सकता हूँ, और इसको प्रेस करके शूट कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख लीजिए अब मैं जंप कर सकता हूँ, शूट कर सकता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ दिस एयर बटन्स मैं यहाँ पर अपनी चार उंगली को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ, देख लीजिए, और इसके थ्रू मैं PUBG में काफ़ी अच्छे से प्ले कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको ईयर ट्रिगर इसके अंदर इनबिल्ट मिल रहे हैं जो कि गेमिंग को काफ़ी स्मूथ बना रहे हैं। तो दोस्तों आप इन ईयर ट्रिगर्स की हेल्प से अपने गेम प्ले को काफ़ी स्मूथ बना सकते हो, आप एक प्रो प्लेयर बन सकते हो। बस दोस्तों थोड़ा सा समय लगेगा आपको यूज़ थ्रू होने में, बट एक बार अगर आप यूज़ थ्रू हो जाओ तो डेफिनेटली ये ईयर ट्रिगर गेमिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये रहा असूस का ROG फ़ोन, एक गेमिंग फ़ोन जो कि काफ़ी अच्छे फीचर के साथ आता है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, लुक है, और स्पेशली गेमर्स को ध्यान में रखे इस फ़ोन को बनाया गया है। तो अल्टीमेटली अगर आप गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो डेफिनेटली ये फ़ोन आपके लिए है। बाकी दोस्तों अगर आपको एक फ्लैगशिप फ़ोन चाहिए जिसमें आपको दमदार प्रोसेसर मिल जाए, दमदार परफॉर्मेंस मिल जाए, बढ़िया लुक मिल जाए, अच्छा कैमरा मिल जाए,
तब भी दोस्तों आप इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कहूँगा करके कि Asus का ROG फोन एक काफी बढ़िया गेमिंग फोन है। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आपको ये फोन कैसा लगा, आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस फोन को लेके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं अब इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों मैंने ऐसे ही और भी बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर बना रखी हैं और आगे भी आती रहेंगी। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।